तो स्वागत भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो फैन कोड ईसीएस टीटन मिलान लीग खेली जा रही है, इसका जो फाइनल मैच है जो कि खेला जाएगा एल्बानो वर्सेस फ्रेश ट्रॉपिकल के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। भाई फाइनल मैच है यानी कि भाई दोनों ही टीम अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगी। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका सिलेक्शन आपको कम देखने को मिलेगा लेकिन भाई वो आपको विनिंग करवा के देंगे। अब उन्हीं प्लेयर्स में नाम आता है भाई यहां पर जो जिन्होंने मतलब हमें विन करवाया, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई किसने विन करवाया, भाई लास्ट मैच में आप यहां पर देखिए सिर्फ 29% सिलेक्शन था बंदे का जोरावर सिंह का और हमारा कैप्टन था। मैं आपको दिखा भी देता हूं टेलीग्राम चैनल पर, यह आप रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है। एक तरफा विनिंग भाई यहां पर हमारी हुई थी। अब अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो आप यहां पर देख सकते हो मतलब यहां पर जोरावर सिंह ने भाई हमें एक तरफा, एक मिनट भाई यहाँ पर आए, यहाँ पर देखिए भाई जोराव, कौन सी टीम दिखा रहा हूँ ब्रो मैं, ठीक। यहाँ पर आप देखिए भाई जोरावर सिंह ने भाई एक तरफा विनिंग हमारी करवाई है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे कैप्टन थे और लोगों की टीम में भी नहीं था बंदा, तो इसीलिए बोल रहा हूँ भाई कुछ ऐसे प्लेयर्स यहाँ पर आपको इस वीडियो में भी मैं दूंगा जिनसे आप इजिली काफ़ी अच्छी विनिंग करने वाले हो। लेकिन भाई अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यार आपका एक एक लाइक है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब मोटिवेट करता है और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। दूसरी बात भाई चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। तो अगर भाई एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान में रखिएगा, इस वीडियो के बाद इस मैच के बारे में जो भी अपडेट आएगी ना उसकी जो अपडेट है वो आपको मिलेगी भाई मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर भाई बात कर लेते हैं दोनों टीम्स के जो आज मैच खेले गए, एक बार उनकी बात कर लेते हैं। और भाई ये चीज आपको माननी पड़ेगी, दोनों टीम्स ने अपने बॉलिंग के दम पर मैच विन किए। यहाँ पर अगर बात करें तो अगर एएलबी एल्बानो की टीम की बात करें बैटिंग की, तो इरफान शेख ओपनिंग करने आए थे, 16 रन बनाए। मोनू लाल ने 2 रन बनाए। जोरावर सिंह ने भाई यहाँ पर 15 रन बनाए। इसके अलावा जो सतविंदर राम, इन्होंने भाई यहाँ पर 1 रन बनाए। अनमोल गिल की बात करें तो भाई 5 रन इन्होंने यहाँ से बनाए हैं। अब आ जाते भाई इनकी गेंदबाजी में, भाई यहाँ पर आप देखिए भारती बंगार 2 ओवर डाल रहा है, विकेट लेस गया। जोरावर सिंह ने 2 ओवर में 1 विकेट भी निकाल के दिया, ठीक है। इसके अलावा देव चीमा 2 ओवर में 2 विकेट इन्होंने निकाले। गुरजीत सिंह 2 ओवर में 2 विकेट इन्होंने निकाले। मोनूलाल 2 ओवर में 2 विकेट इन्होंने निकाले, ठीक है। तो यहां से भाई आपके लिए प्लेयर्स हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और भाई इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं यहां से देखिए आप इन पांचों गेंदबाजों को ट्राई करोगे, ठीक है, 5 के 5 गेंदबाज। और यहां से अगर बात करें इनकी बैटिंग की तो भाई बैटिंग में आप ट्राई करोगे सिर्फ इरफान शेख को, ठीक है। इरफान शेख को अगर आप ट्राई करोगे तो इरफान शेख, मोनूलाल, जोरावर सिंह, 3 आपके पास बैट्समैन हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो गेंदबाज है वो तो भाई है ही आपके पास, ठीक है। यहां पर आप 6 प्लेयर यहां से ट्राई कर सकते हो। अब अगर बात करें यहां पर जो सामने वाली टीम है फ्रेश ट्रॉपिकल की, यहाँ से हम बात कर लेते हैं एक बार। पहले भाई इन्होंने बैटिंग की इस मैच में, जैन नाकवी ने यहाँ पर भाई 8 रन बनाए। आमिर शरीफ की बात करें तो भाई इन्होंने यहाँ पर 14 बॉल पर 20 रन बनाए। इसके अलावा आसिम मलिक की बात करें तो भाई इन्होंने यहाँ पर 11 रन की नोक खेली। लेकिन जो गेम चेंजिंग नोक आई थी वो आई थी मोहम्मद इमरान के बाद जो खेलने आए थे सिकंदर अब्बास, तो इन्होंने भाई यहाँ पर 29 रन बनाए। जो हसन जामिल है इन्होंने 10 रन बनाए। इसके अलावा शहजाद हमायून की बात करें तो भाई पहली बॉल पर आउट हो गए, बिलाल हमीद नोट आउट गया, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई गेंदबाजी में, गेंदबाजी काफी शानदार रही इनकी। यहां पर अगर बात करें तो बिलाल हमीद 2 ओवर डाल रहा है, विकेट निकाली एक। जाहिद चीमा ने 2 ओवर डाले, 2 विकेट निकाले। आमिर शरीफ भाई ओपनिंग कर रहा है, वन डाउन खेल रहा है, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा कहां पे गया भाई। आमिर शरीफ भाई ओपनिंग कर रहा है, ठीक है। तो आमिर शरीफ भाई ओपनिंग कर रहा है प्लस भाई 2 ओवर की गेंदबाजी कर रहा है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सिकंदर अब्बास नंबर 5 पर बैटिंग कर रहा है, यानी कि 3 डाउन आ रहा है, 3 विकेट गिरने के बाद आ रहा है और 1 विकेट इन्होंने निकाला। इसके अलावा भाई यहाँ पर अगर बात करें फैजल मोहम्मद की तो 1 विकेट इन्होंने निकाला। अब चलिए भाई मैं आपको जो डेमो टीम है वो आपको बना के दिखा देता हूँ, लेकिन अगेन मैं एक बात आपको बता दूँ भाई, जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी ना वो आपको सिर्फ और
सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भाई इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए भाई आपको वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। अगर बाई चांस मान लो कभी कभी क्या होता है लिंक वर्क ना करे तो आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो @realkpm1। सिंपली बस आपको इतना सर्च करना है और जैसे आप ये सर्च करोगे आपको यहाँ पर हमारा चैनल मिल जाएगा। यही हमारा चैनल है। अभी अगर करंटली बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी टेलीग्राम फैमिली में 5919 मेंबर ऐड हो चुके हैं। तो जल्दी से आके भाई टेलीग्राम फैमिली का पार्ट बन जाइए। अब चलिए भाई यहाँ पर बात कर लेते हैं डेमो टीम के बारे में। तो सबसे पहले भाई यहाँ से बात करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन की। यहाँ से भाई हरदीप सिंह को हमें ट्राई करना है, ठीक है। ज़्यादा कोई अच्छा ऑप्शन है नहीं है। शहजाद हुमायूं की बात करें बैटिंग काफ़ी नीचे कर रहा है इसीलिए ट्राई नहीं कर रहा। यहाँ से आमिर शरीफ 100% रहेगा, इरफान शेख 100% हमारी टीम में रहेगा। इसके अलावा भाई आप यहाँ पर एस जामिल को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, या फिर भाई आप यहाँ से अनमोल सिंह के साथ जा सकते हो। अनमोल सिंह और यहाँ से भाई मोहम्मद इमरान, ठीक है। मोहम्मद इमरान, अनमोल सिंह, ये दो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर लग रहे हैं मेरे को। और एक यहाँ से भाई हसन जामिल, ठीक है। तो ये चीज़ आप इनको मतलब जो भी बैटिंग ऑर्डर आएगा ना, जो बैटिंग ऑर्डर आएगा वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा कि क्या कुछ बैटिंग ऑर्डर यहाँ पर आया है टीम का। इनका भाई जो ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर है ना वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अभी के लिए अगर बात करें तो भाई मैं यहाँ से मोहम्मद इमरान को ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें ऑलराउंडर सेक्शन में तो यहाँ से भाई जो आसिम अली इसको आप ट्राई कर सकते हो, अभी के लिए मैं ट्राई नहीं कर रहा। यहाँ से भाई अगर बात करें जैन नाकवी को ट्राई करूँ, मदन लाल को ट्राई करूँ, जोरावर सिंह को अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूं। अब चलिए गेंदबाजी में चलते हैं। ऐसे जाहिद चीमा हमारी टीम में 100% रहेगा, गुरजीत सिंह हमारी टीम में रहेगा। इसके अलावा यहां पर अगर बात करें तो देव चीमा को मैं अपनी टीम में रख रहा हूं। और यहां से भाई सिकंदर अब्बास, सिकंदर अब्बास का सिलेक्शन भाई काफी कम आपको देखने को मिलेगा लेकिन बहुत ही खतरनाक प्लेयर आपके लिए होने वाला है। अब दो प्लेयर यहां से भाई बचते हैं, उनको आपको ट्राई करना है। या तो आप यहां से बासिल हमीद और एक यहां से भाई बी बांगर, इन दोनों में से किसी को भी आप ट्राई कर सकते हो। और ट्राई किसकी जगह पर करोगे भाई, ऑलराउंडर सेक्शन में जैसे ही आप जाओगे तो जैन नाकवी के ऊपर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, ठीक है। जैन नाकवी को आप ड्रॉप करके और फिर भाई इनको ट्राई कर सकते हो। बट अभी के लिए सीवीसी की बात कर लेते हैं। तो कैप्टन की बात करें तो भाई यहाँ से मोनू लाल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ओपनिंग कर रहा है, प्लस 2 ओवर की गेंदबाजी कर रहा है और भाई लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। एक मैच में यहाँ पर सिर्फ 25 पॉइंट दी थी, इसके अलावा भाई यहाँ पर 3 मैच में इतने अच्छे पॉइंट दे रखे, मतलब गजब, ठीक है। या फिर आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो जोरावर सिंह को। इन्होंने भाई 4 मैच खेले लेकिन लास्ट के जो 2 मैच में भाई परफॉर्मेंस आई है वो कुछ अलग ही लेवल की है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अभी के लिए अगर वीसी की बात करें तो कैप्टनसी तो मैं दे रहा हूं ऐसे मदन लाल को। वीसी जो मेरा रहेगा ना वो भाई यहां से मैं जा रहा हूं आमिर शरीफ के साथ, क्योंकि भाई ओपनिंग ये भी कर रहा है और 2 ओवर ये भी डाल रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी के लिए मैं इन दोनों को सीवीसी लेके जा रहा हूं। बाकी अगर यहां से और सीवीसी प्लेयर जो ऐसे रहे जो आपको मतलब विनिंग करवा सके उसमें भाई जोरावर सिंह रहेगा। इसके अलावा यहां पर अगर बात करें तो सिकंदर अब्बास रहेगा, काफी का भाई नहीं भाई सिकंदर अब्बास रहेगा तो ये, और गुरजीत सिंह। ये भाई 3 प्लेयर हो रहे हैं ऐसे जिनको आप सीवीसी बना सकते हो। अभी के लिए जो मेरी फाइनल टीम है वो आपके सामने है। अभी आप इस टीम को या तो सेव कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे भी करके टीम सेव कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और एक्टिव रहिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।